साथियों, देश के अनेक भागों में राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। तो नए साल की तैयारी जारी है, टूरिस्ट स्पॉट पर भारी भीड़ है, दिल्ली में भी भीड़ भाड़ है और इंडिया गेट से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। साल का अंतिम दिन है और ऐसे में इंडिया गेट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि वीकेंड भी है। तो ऐसे में ना सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग यहां पर एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि जब से यहां रीडेवलपमेंट हुआ है उसके बाद से ही इंडिया गेट की तस्वीर बदल गई है। और ऐसे में अब इंडिया गेट के नजदीक भी लोग सेल्फियां खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस साल की दो अहम बातें भी हैं, वो ये भी है कि एक तरफ चीन में जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है उसके बाद लोग एहतियात बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना का पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं। और तस्वीर देखिए, हम आपको दिखाते हैं इस वक्त कर्तव्य पथ की, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको ये दिखेगा कि लोग किस तरह से तमाम अपने गमों को भुलाते हुए घूमने के लिए इंडिया गेट पर पहुंचे हुए। तो जाहिर है दिल्ली में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं और इसके लिए पुलिस भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम करती है, और खासतौर से रात के वक्त जब आप शराब पीकर वाहन बिल्कुल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जितनी भी दिल्ली की घूमने वाली जगह है वहां पर जबरदस्त भीड़ देखने के लिए मिल रही है।